ये कहानी है पाक मोहब्बत और एतमाद की। एक बहुत ही सुहानी गर्मियों के मौसम की सहर थी। काउंट एल्रिक अपने घोड़े पर सवार थे। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी सल्तनत की ओर रवाना थे। वो एक खुले मैदान में आए। हेलो, क्या आप ठीक हैं मोहतरमा? मोहतरमा, क्या आपको चोट लगी है? क्या आप बोल सकती हैं? नहीं, मुझे चोट नहीं लगी। सूरज की जानिब देखो, क्या ये खूबसूरत नहीं लग रहा? यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जी हाँ। पर काउंट एल्रिक ने उस अजीम सूरज की तरफ नजर उठाकर देखा भी नहीं था। वो उस खातून की खूबसूरती में ही डूब गया था। उसका गोरा चेहरा और दिलकश आंखें ही बस उन्हें नजर आ रही थी। उन्हें एकाएक उससे मोहब्बत हो गई। मोहतरमा, क्या आप खो गई हैं? आपका नाम क्या है? मुझे इसका इल्म नहीं। आपको आपके नाम का इल्म नहीं है? नहीं। आप यहाँ तक पहुँची कैसे? मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी नींद खुली तब मैं इस मैदान में मौजूद थी, इस खूबसूरत उगते सूरज को देखते हुए। मुझे इसके अलावा कुछ भी याद नहीं। काउंट एल्रिक समझ गए कि उन्हें उस खातून की मदद करनी पड़ेगी। वो किसी भी तरह उसे उस मैदान में तन्हा छोड़ने वाले नहीं थे। मोहतरमा, मेहरबानी करके आप मेरे साथ मेरे किले में तशरीफ लाइए। आपका अच्छा ख्याल रखा जाएगा और इस दौरान मैं आपके खानदान को ढूंढने की कोशिश करूंगा। आप बहुत रहम दिल हैं। मैं आपके साथ आऊंगी। काउंट एल्रिक उन अल्फाज को सुनकर बहुत खुश हुए, पर वो उस खातून से अपनी नजरें हटा न सके। लगता था जैसे वो उन्हें ही देख रही है, पर वो खुद कहीं खोई हुई है, जैसे कि वो किसी और मौजू के बारे में सोच रही हो। शायद वो खौफजदा है। मुझे उसकी हिफाजत करनी चाहिए। वो घोड़े पर चढ़कर किले तक आए। काउंट एल्रिक ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि उनके इस मेहमान का खास ख्याल रखा जाए। जल्दी ही उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें इस खातून का नाम रखना चाहिए। उन्होंने फौरन ही उसे नाम दिया कैथरीन, क्योंकि उन्हें उससे माकूल नाम सूझा ही नहीं। ये बहुत खूबसूरत नाम है, शुक्रिया। कैथरीन खुश थी, पर मुकम्मल तौर पर नहीं। लगता था जैसे वो किसी और बात के बारे में सोच रही हो। शायद वो थकी हुई हो। मुझे उसकी निगहबानी करनी होगी। दिन, हफ्ते और महीने गुजर गए, पर कैथरीन के खानदान की कोई खबर नहीं मिली। आसपास की सल्तनतों में भी किसी ने उसके बारे में नहीं सुना था। काउंट बहुत बेचैन था उसकी मदद करने के लिए। वो उसकी आंखों में खोया खोया एहसास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे कुछ खो गया है। वो उसे खुश रखना चाहता था। क्यों ना मैं उसके सामने निकाह की तजवीज रखूं? क्या उसे कबूल होगा? मुझे यकीनन बताना होगा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। उसे खुश रखने के लिए मेरे पास हर शय है। फौरन ही काउंट ने कैथरीन से कहा कि वो उनसे निकाह कर ले। कैथरीन मुस्कुराई। उसे ये रहमदिल इंसान पसंद था जिसने उसकी मदद की थी। वो मान गई और जल्दी ही उनका निकाह हो गया। काउंट ने बहुत ही शानदार शादी का इंतजाम किया, जो उसकी सल्तनत में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आखिरकार काउंट अपनी महबूबा से निकाह कर रहा था। कम से कम हजार लोगों ने निकाह में शिरकत की। वो उन सबके चेहरों पर एक तारीफ एहसास देख रहा था। इंशाल्लाह, काउंटेस इस दुनिया की सबसे खुशनसीब खातून है। इन शानदार इंतजामात की जानिब तो देखो, वो बेइंतहा मोहब्बत करते होंगे उससे। वो यकीनन बहुत खुश होगी। काउंट मुस्कुराया, पर काउंटेस की तरफ जैसे ही उसकी नजर पड़ी, उसका दिल थोड़ा सा डूब गया। मेरी जान, क्या तुम खुश नहीं हो? यकीनन मैं खुश हूँ मेरे सरताज। काउंट एल्रिक ने उस पर यकीन किया, पर उसकी आंखों में फिर वही खोयापन नजर आया, जैसे वो किसी और मौजू के बारे में सोच रही हो। काउंट एल्रिक के पास खुद को तसल्ली देने के लिए सभी वजूहात खत्म हो चुकी थी। सल्तनत को कैथरीन से बेहतर काउंटेस नहीं मिल सकती थी। सब उससे मोहब्बत करते थे। वो हर एक से मोहब्बत और इज्जत से पेश आती थी, पर काउंट एल्रिक उदास था। उसे महसूस हो रहा था कि वो पूरी तरह से उसकी नहीं है। हर साल काउंट अपनी रियाया के लिए एक दावत रक्स का इंतजाम करता। हर कोई जी भर के नाचता, वो भी जिन्हें पता नहीं था कि कैसे नाचते हैं। पर काउंटेस खामोश थी। वो ना नाच रही थी ना मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में वो एहसास हर रोज काउंट को और गमजदा कर रहा था। उन्होंने कई मर्तबा उससे पूछने की कोशिश की, पर वो हमेशा उन्हें कस कर पकड़ लेती, मुस्कुराती और कहती, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ।
حالانکہ وہ ان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی پر کاؤنٹ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی اور کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ پھر ایک رات جب کاؤنٹ اپنے آرام گاہ میں داخل ہوا وہ یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ کیتھرین ناچ رہی تھی۔ میری جان، تم نے میرے ساتھ کبھی رقص کیوں نہیں کیا؟ کیا؟ میں کبھی رقص نہیں کرتی، آپ کو اس کا علم ہے۔ اوہ میری جان، تم ابھی ناچ رہی تھی جب میں آرام گاہ میں داخل ہوا، کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ کیا؟ نہیں، میں رقص نہیں کرتی، پر کبھی کبھی مجھے دلکش موسیقی سنائی دیتی ہے، جیسے وہ ساز کہیں دور بج رہا ہو، جیسے وہ مجھے بلا رہا ہو۔ کاؤنٹ ایلڈرک پشو پیش میں پڑ گیا۔ ایک سال بیتا، جلدی ہی ان کے نکاح کی سالگرہ آئی۔ کاؤنٹ نے سوچا کہ وہ اپنی عزیزہ کاؤنٹس کو حیرت انگیز خوشی دے گا۔ سالگرہ کی رات سے پہلے وہ اسی میدان میں گھوڑے پر سوار ہو کر گئے جہاں وہ پہلے ایک دوسرے سے ملے تھے۔ کیتھرین بہت ہی خوش ہوگی۔ رکو، وہ کیا ہے؟ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اتنی میٹھی اور خوبصورت طرز نہیں سنی۔ کیا؟ پریوں کی دنیا کے لوگ؟ میں نے سوچا تھا کہ وہ بس کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ خاموش تھیوڈور، یہ بہت ہی عجیب و غریب نظارہ ہے۔ رکو، وہ کون ہے؟ کیا وہ؟ اور وہاں بہت ہی خوبصورت گلابی لباس میں اس کی محبوبہ کیتھرین کھڑی تھی۔ کیتھرین! پر اس سے پہلے کہ وہ اسے قریب سے دیکھ پاتا اس کا گھوڑا سر پٹ بھاگا۔ تھیوڈور بہت ہی خوفزدہ ہو گیا تھا، وہ جنگل میں بھاگنے لگا۔ تسلی رکھو تھیوڈور، تسلی رکھو، تم مجھے پریوں سے دور لے کر جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، شانت ہو جاؤ، دیکھو تم مجھے کتنی دور لے کر آئے ہو، چلو واپس چلیں۔ اوہ نہیں، وہ چلی گئی ہیں۔ کاؤنٹ فوراً ہی واپس آیا۔ انہیں یہ دیکھ کر تسلی ہوئی کہ کاؤنٹس بہت ہی پرسکون ان کی آرام گاہ میں سو رہی ہیں۔ میری عزیزہ، تم تھی کہاں؟ کیا؟ میں سو رہی تھی۔ تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، تمہیں بھی سو جانا چاہیے، بہت دیر ہو چکی ہے۔ رکو، میں غلط نہیں ہو سکتا، یہ وہیں پر تھی، یہ مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ یہ وہاں کتنی خوش تھی، اب میں کیا کروں؟ اب صرف ایک ہی انسان میری مدد کر سکتی ہے، میگڈا۔ کاؤنٹ کو میگڈا پر بھروسہ تھا، اسے اس دنیا کے سبھی رازوں کا علم تھا۔ پورے دو دن سفر کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں پہنچا جو بالکل گھنے جنگل کے بیچ تھی۔ اوہ، کاؤنٹ ایلرک، تم یہاں کیسے آئے؟ یہ کاؤنٹس کی بابت ہے میگڈا، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کاؤنٹ نے پوری داستان میگڈا کو سنائی۔ اس نے کیتھرین کی آنکھوں میں اس کھوئے پن کے بارے میں بھی سمجھایا جس سے اسے ہمیشہ دکھ پہنچتا تھا۔ وہ میری اور دیکھتی ہے پر وہ ہمیشہ کسی اور موضوع کے بارے میں سوچتی رہتی ہے، میں کیا کروں؟ او میرے عزیز، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہاری بیوی ان پریوں کی دنیا کے لوگوں میں سے ہے، وہ ضرور پیچھے چھوٹ گئی ہوگی پچھلی گرمیوں میں جب تمہیں وہ ملی۔ وہ اسے بلاتے ہیں، وہ ان کے پاس ہر گرمیوں میں جاتی ہے ناچنے کے لیے۔ فی الحال شاید وہ واپس آ جائے، پر ایک دن ایسا آئے گا جب وہ واپس نہیں آئے گی۔ کیا؟ نہیں، وہ صرف میری ہے۔ کیا کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے وہ اپنی گزری زندگی ہمیشہ کے لیے بھول جائے اور ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے؟ مجھے کچھ جڑی بوٹیاں دو، کوئی تلسمی دوا، کچھ بھی۔ میرے بچے، کوئی بھی جڑی بوٹی یا تلسم اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ کسی کو اپنا ماضی بھلا دے، وہ ہمیشہ اس سے جڑی رہے گی جہاں سے وہ آئی ہے۔ پر ایک طریقہ ہے۔ کیا؟ میں ابھی وہ کروں گا، مجھے بتاؤ۔ تمہاری محبت مکمل ہونی چاہیے، تبھی وہ اپنا ماضی بھلا پائے گی۔ کیا میری محبت مکمل نہیں ہے؟ پھر میں اسے مکمل کیسے بناؤں؟ یہ بس وقت ہی تمہیں سکھائے گا۔ فکر مت کرو میرے بچے، گھر جاؤ اور اپنی محبت پر اعتماد رکھو۔ کاؤنٹ ایلڈرک واپس اپنے قلعے میں آیا۔ اب وہ اپنی بیوی سے اور بھی زیادہ محبت بھرا اور رحم دل ہو گیا تھا۔ پھر بھی ہر رات وہ قلعے سے چلی جاتی۔ کاؤنٹ نے بہت سی راتیں جاگ کر بتائی، یہ سوچتے ہوئے کیا وہی یہ رات ہے جو اس کی پیاری بیوی کو دور لے جائے گی۔ اور پھر ایک دن، بہت ہو گیا،
मैं आज उसके पीछे जाऊंगा और बताऊंगा कि मैं उसे कितनी बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत मुकम्मल है और मैं इसे आज साबित करूंगा। बस बहुत हो गया। कैथरीन, ये मैं हूँ, तुम्हारा शौहर। मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, मेरे साथ चलो। मुझे जाने दो। हमारे पास आओ बहन, मुझे छोड़ दो। क्या तुम्हें याद नहीं अजीजा, मेरे साथ आओ। कैथरीन को इल्म हो गया कि काउंट उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसकी मुस्कान में मिठास थी। मेहरबानी करके मुझे अपना रक्स खत्म कर लेने दो और मैं वादा करती हूँ कि उसके बाद मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में आंसू हैं। परियां नहीं जानती कि कैसे रोते हैं। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे ये सिखाया है। नहीं कैथरीन, तुम सिर्फ मेरी हो। पहनो, मुझे अपनी कुवत दो। ताकतवर बनो बहन, ताकतवर बनो। ताकतवर बनो बहन, ताकतवर बनो। ताकतवर बनो बहन, ताकतवर बनो। आजाद बनो बहन, आजाद बनो। आजाद बनो बहन, आजाद बनो। आजाद बनो बहन, आजाद बनो। बहती रहो बहन, बहती रहो। बहती रहो बहन, बहती रहो। जोशीली बनो बहन, जोशीली बनो। जोशीली बनो बहन, जोशीली बनो। अगर मैं तुम्हें सुबह होने तक पकड़े रहूं, तो काफी हद तक तुम मेरी ही रहोगी। पर उसने एतमाद नहीं छोड़ा। तुम मेरी बनिस्बत ज्यादा ताकतवर हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। काउंट खुश था। मुझे इल्म था कि मेरी मोहब्बत मुकम्मल है। कैथरीन, क्या तुम ठीक हो मेरी जान? पर काउंटेस कुछ नहीं बोली। वो बैठ गई और कराहने लगी। काउंट बहुत दुखी हुआ अपनी महबूबा को नाखुश देखकर। कैथरीन, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो क्या तुम अपने लोगों को याद करोगी और गमगीन रहोगी? मैं उन्हें बहुत कम ही याद रखूंगी। मैं उदास नहीं होंगी, पर मुझे हमेशा ये महसूस होता रहेगा कि मैंने कुछ खो दिया है। और अगर तुम अपने लोगों के पास वापस चली गई तो क्या तुम मुझे याद रखोगी? नहीं, मुझे ये कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैं केवल खुश रहूंगी। मैं तुम्हें नाखुश नहीं देख सकता मेरी जान। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अजीजा, अपने लोगों के पास वापस चली जाओ। वहाँ जाओ जहाँ तुम असल में खुश रहो। काउंट एल्रिक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अपने पीछे खाली मैदान को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। घंटों बेमकसद घुड़सवारी करने के बाद वो अपने किले में पहुंचा। वहाँ कौन है? कैथरीन! ओह, मेरे अजीज, क्या हुआ था? खैर, जब मेरी नींद खुली तो उस मैदान में मैं अकेली थी। मैं वहाँ कैसे पहुँची? मैं जानती थी तुम जरूर मुझे ढूंढ रहे होगे। ओह मेरी जान, कोई बात नहीं, बस यही काफी है कि तुम यहाँ पर हो मेरे साथ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और उसे इल्म था कि वो दिल से ये कह रही है, क्योंकि उसकी आंखें सिर्फ उसे ही तलाश कर रही थी और उसके अलावा कुछ नहीं। काउंट एल्रिक का एतमाद और मुकम्मल मोहब्बत उसकी दिलरुबा को उसके पास ले आई। मुकम्मल मोहब्बत वो होती है जब आप किसी की खुशी से अपनी खुशी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं।